अच्छा, मेरा जो ये फ़ोन का जो है कैमरा वो साफ़ नहीं था, शायद फ़ोटो में वीडियोस में इतनी अच्छी नहीं आई होगी अभी, पर कोई बात नहीं, चलता है, जैसा भी है हम ठीक है रे बाबा, है ना। बहुत दिन से लाइव नहीं आई हूँ दोस्तों, कई लोगों ने मुझे बोला भी आप लाइव आया करो, बस थोड़ा सा मैं तो ठीक हूँ खैर अभी। बस थोड़ा सा खांसी से परेशान हूँ। लाइव में आऊँगी फिर खांसी खांसी करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं फिर उसके बाद आते हैं लाइव। अंडा छिल रही थी, थोड़ा सा इसमें लग गया। हाफ बॉईल किया हुआ है ना। यार प्लेट ही नहीं मिल रहा मुझे तो, कटोरी। चलो भाई यार किसी भी में भी मिल जाओ, एक तो हो गया, अब ये दूसरा अंडा है। आउच, क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। अच्छा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपने केस देखा था छोटू जी का? क्या था उनकी प्रेमिका का नाम? आरती, आरती नाम था शायद, छोटू आरती, यार नाम भूल गई बट मुझे लगता है आरती नाम है। आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? राजनीति लगती है पॉलिटिक्स का, या फिर बस ऐसे ही अफवाह इंटरनेट पर वायरल होने का? मेरा ये मानना है, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है, मुझे किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं करना, बस थोड़ा सा मैंने अपना राय देने की कोशिश की है इससे कि देखो जाने वाले चले जाते हैं, बहुत दुख है इस बात का, बहुत ही ज्यादा दुख है। जो छोटू के साथ हुआ ना वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ऐसा, और ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको भी, जिसने भी उनको शायद मारा है या फिर मर्डर है या क्या था, गलत हुआ उनके साथ बहुत ज़्यादा। अब इस बात को 5-6 महीने बीत चुके थे ठीक है, अब वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के वो छोटू के घर पर रह रही थी इतने महीनों से, तो ऑब्वियसली गाँव के लोग थोड़ा सा सिटी के हिसाब से अलग सोचते हैं वहाँ के लोग ना। दबाव में आकर तो नहीं कह सकती मैं ये बात, मैं भी इतना अग्री नहीं करती इस बात पे, दबाव में नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ बस ये है कि रजामंदी से सब लोगों के कहने पर ही शायद ये शादी हुई होगी, और आरती जी ने भी शायद सोचा होगा कि हाँ शादी करूँगी तो थोड़ा सा मैं स्ट्रांग हो जाऊँगी और मुझे एक पहचान मिलेगी, तो इसमें कोई गलत तो देखिए नहीं था, इतना बात को इशू करने का तो कोई मैटर ही नहीं था, जितना इस बात को इतना बढ़ावा दिया, इस बात को इतना बढ़ाया आगे तक, तो मुझे तो नहीं लगता इस बात को इतना आगे तक बढ़ाना चाहिए था। चलो जो भी है, शादी हुआ था, अभी अभी मैरिड शादी हुई है, तो बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि सबको मिलके उनको दिलासा देना चाहिए था कि हाँ जो हुआ हुआ, आप अपने लाइफ में अब आगे बढ़ चुकी हो, तो अब जो लड़ाई है दोनों मियाँ बीवी आप लड़ सकते हो, क्योंकि जो उसके भाई का नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा जिसके साथ शादी हुई है उनकी, छोटू के भाई की ना, तो अब दोनों मिलके लड़ सकते हैं अपने भाई के लिए। तो यार इतना अंजे रुकना, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इशू करना चाहिए था, छोटू के साथ बहुत ही ना इंसाफी हुई है, गलत हुआ उसके साथ, लेकिन हाँ आरती भी अब लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तो प्लीज़ मैं सबको यही बोलूँगी कि इतना ज़्यादा इशू क्रिएट ना करें, अब वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, उनके साथ जो होना था हो चुका है, अब बहुत ही वो स्ट्रांग हो गई है, वो अब किसी की वाइफ है, तो ऐसा मजाक ना उड़ाया जाए, क्योंकि जो भी है अब घर गृहस्थी वाली है वो भी, तो अब जो भी है उनके फैमिली वाले और उनके जो हस्बैंड है वो अब वो मिलके अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो ऐसे मतलब पॉलिटिक्स करके किसी को बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरेसमेंट करना ठीक नहीं है, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने उनका पहले शुरू में देखा था तो मुझे भी पहले गलत लगा ये बात कि हाँ 4-5 महीने के बाद उन्होंने शादी कर ली, जब ध्यान से सोचा इस बारे में बहुत गहराई से जाके सोचा मैंने, तो मुझे लगा ठीक है लाइफ में आगे बढ़ने का हक सभी को है,
हाँ उस टाइम बहुत इमोशनल हो जाता है इंसान, जब उसके साथ ऐसा हुआ तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ हुआ कि लाइफ ऐसे नहीं बीतेगी, मुझे भी किसी का सहारा चाहिए, तो इस पे तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत किया हुआ है, तो मैं पूरा उनके फुल सपोर्ट में हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो लाइफ में आगे बढ़ गई है। और हमें क्या चाहिए तो बने रहिएगा, मैं तो चली खाने, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।